हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ किचन के इंग्रेडिएंट्स से ही लेके, पर मैं बनाऊँगी आज हेयर केयर रेमेडी, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था काफ़ी दिन से। तो मैंने सोचा ये मैं ट्राई करूँ, और इससे पहले भी मैंने काफ़ी बनाया है ये और काफ़ी फ़ायदा हुआ है मुझे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ ये रेसिपी। तो यहाँ देखिए, मैंने एक चम्मच भर के फ्लैक्सीड लिया था, उसको मैंने 100 ml पानी में बॉईल किया, और जब ये रिड्यूस होने लगा और इसका जेल फॉर्म होने लगा तो मैंने बंद कर दिया गैस, और हल्का गुनगुना ही जब ये रहे तो इसे हम छान लेंगे। तो छानने के लिए मैंने यहाँ स्ट्रेनर लिया है, आप चाहे तो मसलिन का कपड़ा भी ले सकते हैं तो वो और अच्छे से वो स्ट्रेन होगा, एक ही बार में हो जाएगा, पर मेरे पास ऐसा कोई कपड़ा था नहीं तो मैंने स्ट्रेनर से ही स्ट्रेन कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, अभी एक बार मैंने स्ट्रेन किया है तो ये थोड़े बहुत इसमें सीड्स आ गए, तो मैं इसको दोबारा स्ट्रेन करूँगी। पर यहाँ अभी साइड बाय साइड में अनियन का पेस्ट मैंने एक अनियन ली थी, इसको मैंने पीस लिया, और इसका भी मैं पेस्ट जो है बिना पानी के पीसा था मैंने, तो इसका भी जो पानी का मतलब इसका जो पानी होता है अनियन का, उसको भी मैं स्ट्रेन कर ले रही हूँ अच्छे से। मैं उसको प्रेस करके सारा उसका पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया, और वो मैंने फ्लैक्सीड के जेल में ऐड कर दिया। तो ये दोनों को हम मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें एवियन के कैप्सूल्स भी ऐड करेंगे। तो मीनवाइल आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। तो यहाँ देखिए, मैं ये 2 एवियन के कैप्सूल्स लूँगी और इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और उसके बाद हम इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ डबल स्ट्रेनर मैं ये पूरे लिक्विड को मैं 2 बार स्ट्रेन करूँगी ताकि इसके जो सीड्स हैं वो निकल जाएं और हमें एक फ़ाइन और स्मूथ लिक्विड मिले। तो तीनों को हम जब अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और सारा मतलब जो सीड्स है वो निकल जाएगा, तो बस उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट, बहुत ही ईजी रेसिपी है, आई होप आपको पसंद आए, और इंशाल्लाह ये ज़रूर वर्क करेगी, मुझे तो काफ़ी वर्क करती है। तो बस इसको हम हफ्ते में 1 से 2 बार लगा सकते हैं, ये ऑल्टरनेट डेज़ भी लगा सकते हैं, और इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।